अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जाहिर, ये हमारी वीडियो कमांडर इनक्लेव का पार्ट टू है, जिसके अंदर हम आपको यहाँ पर रहने वाले रहायशियों से मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर कमांडर इनक्लेव जो ट्रेडी अपार्टमेंट 2 बेड और 3 बेड के ऑफ़र कर रहा है, जिसमें आपने जस्ट यूटिलिटी पोजेशन चार्जेस देने हैं, रिमेनिंग अमाउंट आपने अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए 40 मंथली इंस्टॉलमेंट की मद में अदा करनी है। इसका अंदर से विज़िट करवाएंगे। अगर साथ साथ मैं आपको लोकेशन बताता जाऊं तो ये गडाप टाउन नियर बकाई यूनिवर्सिटी M9 सुपर हाईवे कराची के अंदर वाक़ है। अगर आप इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन या डिटेल लेना चाह रहे हैं या यहाँ पर बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो मुसलसल स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, आप यहाँ पर रबता करके यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। तो अभी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली यूट्यूब चैनल मिस्टर ज़िया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, तो आओ मेरे नाल। जी, तो हम कमांडर इनक्लेव के अंदर ही मौजूद हैं और अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं तो सबसे लाजमी बात यह है कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका भी व्यू लिया जाए कि वो किस तरह यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, कोई मसला परेशानी तो नहीं है और उनको ट्रांसपोर्ट का कोई इशू तो नहीं है। जी, तो शमीम अब्बासी साहब, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा पाया आपने इसको, कमांडर इनक्लेव को? और पहले तो ये बताइएगा, आप कराची में किस जगह पे रहते थे पहले? देखिए जी, मैं हुआ गुलशन इकबाल से, यहाँ शिफ्ट हुआ। ठीक है, कितनी देर हो गई? और तकरीबन 1 साल हो गया मुझे। अच्छा, 1 साल से वहाँ मैं बहुत परेशान था। ठीक है, जैसे ही बाहर निकलो, मोबाइल लेके बाहर नहीं निकल सकते, स्नैचिंग। ठीक है, नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते, गटर बह रहा है। ठीक है, और बहुत अच्छी पोश इलाके में था मैं। ठीक है, लेकिन उसको मैंने देखते हुए 1 साल में पूरे कराची में घुमा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ फ्लैट बुक कराया, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है ना, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जिसको आप कह लें कि नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। बिल्कुल, ये तो फील हो रहा है। सुबह उठ के जनाब यहाँ मैं वॉक करता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं हम। ठीक है, और यहाँ देखें आप, लेक भी है हमारे पास, बच्चों के लिए झूले भी हैं, और रात के 3 बजे तक भी हम यहाँ पर मोबाइल लेके घूमते हैं, कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम है। ठीक है, ज़रूरती ज़िंदगी किस तरह की है, आपको अंदर कोई मार्ट है, कोई इस तरह की सहूलियात अंदर आपको दी जाती है या आपको उसके लिए सिटी जाना पड़ता है? नहीं, छोटा मोटा तो मार्ट है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और इसके अलावा थोड़ा 1 किलोमीटर के फासले पर और बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, अभी ये मार्केट बनाने वाले हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बाकी ये आप ना समझे कि बहुत दूर है, आप अगर शहर से अगर आए, मैं गुलशन इकबाल से आता था यहाँ पर, मुश्किल से 20 मिनट लगते थे मुझे। ठीक है, और हाईवे से हम आते हैं और कोई रुकावट नहीं है, और शहर में जितना पेट्रोल आप 4 किलोमीटर में खर्च करते हैं ना, यहाँ समझ लें डबल हो जाता है, इतना लॉन्ग रूट पे स्ट्रेट आते हैं। अच्छा, तो को 3 बेड में यहाँ पर रह रहे हैं या 2 बेड में? मेरे पास जो है ना 3 बेड डीडी है। जी जी है, तो A1 अपार्टमेंट है सबसे बड़ा। अच्छा, तो उसका मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस ज्यादा तो नहीं है कहीं? मेंटेनेंस इन्होंने 7,000 रुपए रखी हुई है। ज्यादा लग रही है मुझे तो? नहीं, ठीक है, जो इन्होंने सिक्योरिटी और ये लाइट्स वगैरह और सीवरेज का निज़ाम, ये सब चीज़ें जो ये चला रहे हैं, ये पानी भी फ्री है यहाँ पर, पानी फ्री और कॉस्ट है, वो मेंटेनेंस के अंदर है, ये तो अच्छी बात है। ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। अच्छा, वो तो ये हमें तो ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए ठीक हो गया। तो आपने कितनी देर पहले ये अपार्टमेंट अपना बुक करवाया था, या आपने लमसम पे लिया था, इंस्टॉलमेंट पे लिया था? मैंने जो है ना तकरीबन, मेरा अपार्टमेंट तो तकरीबन 4 साल में मुझे मिल गया। अच्छा, आपने बुक करवाया था, बुकिंग पे लिया था? कितने बुकिंग पे लिया था? बुकिंग पे मैंने लिया था हाफ प्राइस पे। हाफ प्राइस कितनी उस वक्त, 1 साल पहले? अगर आप 68, उसको इनका 68 का था, ये 68 में आपने ये 68 लाख का था, इसको हाफ कर ले। अच्छा, हाफ करके? हाफ करके फिर प्लस आपने जो हमने यूटिलिटी चार्जेस इनको दिए 8 लाख। नहीं तो फिर भी यूटिलिटी चार्जेस देने के बाद भी आप बहुत प्रॉफिट में, इतने में तो कहीं भी अपार्टमेंट नहीं मिलता, 3 बेड DD, वो भी इतने अच्छे एरिया के अंदर। और इसके अलावा ये मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने दोनों बेटों का भी यही अपार्टमेंट बुक कराया। अच्छा, हमारे पास 3 अपार्टमेंट है। अच्छा सर, माशाल्लाह, मतलब सेटिस्फाई है? और एक कमांडर सिटी में भी है। अच्छा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह खूबसूरत इन्वायरमेंट आपको भी देखना अल्लाह नसीब करे, और जिनकी अस्तताद है वो जरूर यहाँ पर आए। बिल्कुल, जिस तरह आपने रेजिडेंस का जो व्यू होता है उस पर आप बिल्कुल रिलायंस कर सकते हैं, क्योंकि वो रह रहे होते हैं, वो तमाम फैसिलिटीज वहाँ पर देख रहे होते हैं और आई विटनेस होते हैं। तो आपने रेजिडेंस की गुफ्तगू सुनी, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें खूबसूरत माहौल के अंदर। एक तो ये है कि ये लिवेबल और बाउंड्री के अंदर एक बहुत ही अच्छी एक सोसाइटी आबाद की जा रही है, और दूसरा ये कि कराची के अंदर है। अगर
आप इससे आगे चले जाएं टूल प्लाजा से, तो फिर उसके बाद काफ़ी सोसाइटी उसके बाद स्टार्ट होती है। ये टूल प्लाजा से भी पहले है, मतलब कि ये आप सिटी के अंदर रह रहे हैं इतने खूबसूरत माहौल में। जी तो इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मंजूर साहब हैं, इनसे भी पूछते हैं। हम अभी इस पार्क का विज़िट कर रहे थे तो काफ़ी फैमिलीज इस पार्क में इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम भी आज बहुत खूबसूरत है, तो डॉक्टर साहब को भी हमने ढूंढ लिया। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कितने देर से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं आप? कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है। अच्छा, 1 ईयर हो चुका है। तो कराची में किस जगह से आप? यहाँ कराची में मेरी रह, वैसे तो बेसिकली इंटीरियर से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, किस तरह का पाया आपने इस माहौल को, इस खूबसूरती को? मैं तो आज आया इम्प्रेस हो गया जिस तरह इन्होंने यहाँ पर लिवेबल किया हुआ है, इतनी अच्छी पार्क लेक और बच्चे खेल रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो कैसा पाया आपने? नहीं, कैसा पाया? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे है। बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, नीचे आते हैं, शाम के टाइम में आते हैं या वीकेंड्स में डे टाइम में भी आते हैं। ठीक है, पार्क में घूमते फिरते हैं और साइकिलिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो लेक बनाई है छोटी सी, इसका भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे बड़े खुश हैं। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ मस्जिद करीब है तो मस्जिद में आपको बाजमा नमाज मिल जाती है, आपको जुम्मे की नमाज बड़ी अच्छी तादाद में लोग होते हैं। जरूरत जिंदगी की तमाम जरूरत पूरी होती है ना यहाँ? हाँ, सहूलतें हैं, लाइट का इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम दिया है कि 24 घंटे लाइट होती है। 24 घंटे लाइट होती है, लाइट नहीं जाती है। पानी की क्या? पानी बेहतर है, अच्छी स्पीड में पानी आता है। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि पानी बंद हुआ हो। अच्छा, एक साल में मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं? ये मेरा रेंट पर है। तो कौन सा? 3-bed DD में है। 3-bed DD में आप रह रहे हैं? कितना रेंट आप दे रहे हैं इसका? रेंट वहाँ पे 25,000 है। 25 में 3-bed DD, बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है। अच्छा, तो इसके अलावा आप मुतमिन है? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करते हैं, बच्चे खुश हैं। ठीक है, फ्लैट भी अच्छा, इनके अच्छे अपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक, कमरे खुले खुले हैं, हवादार हैं, दो तरफ से गैलरी हैं। ठीक है, अंदर स्टोर है, किचन बड़ा अच्छा ओपन किचन बना हुआ है। ठीक है, और हर कमरा अटैच बाथ है। ठीक है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे जो यहाँ पर आना चाह रहा है या इस जो वीडियो देख कर यहाँ पर मूव होने की सोचेगा, तो उसके लिए क्या वो क्या स्टेप ले, पहला क्या स्टेप ले, किस तरह यहाँ पर मूव होगा? या आप इधर रेंट पे हैं तो आपको प्रोसीजर क्या करना पड़ा था यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए, पहला प्रोसीजर? देखिए, प्रोसीजर बड़ा आसान है। जो भी क्लाइंट है उन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं इनको। ठीक है, कि कौन कौन से अपार्टमेंट अवेलेबल हैं रेंट के लिए या सेल के लिए। ठीक है, तो वो गाइड करते हैं उनके ऑफिस। मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या क्या देनी होगी? डॉक्यूमेंटेशन कोई खास नहीं, जो रेंटल एग्रीमेंट बनता है शहर में बनता है इनका भी वही है। बड़ा प्रोसेस आसान है, विदिन 1 डे आपका प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप चाबी लेते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि रेंट एडवांस और वो सिक्योरिटी? वो जैसे जैसे सिटी में होता है 3 मंथ का सिक्योरिटी होता है, 3 मंथ का एडवांस, 3 मंथ रेंट होता है। ठीक है, और इसमें अच्छी बात ये कि आप जो 3 मंथ का रेंट एडवांस देते हैं वो आपने पहले 3 महीने रेंट पे नहीं करना। अच्छा, वो पे नहीं करना, वो कट, वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इतना बर्डन नहीं होता कि नई नई शिफ्टिंग होती है, आप पहले इतने खर्चे कर लेते हैं, ऊपर से रेंट भी देनी पड़ती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन ये कि देखो, शहर के जो आजकल हालात हैं रोड्स के या बारिशों में जो रोड का काम होता है उससे बेहतर है बंदा यहाँ पुरसकून है। ठीक है, ठीक है, जिसको शहर जाना है वो अपनी सिचुएशन देख के जाए, अदरवाइज यहाँ पे रहते हो आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो डॉक्टर साहब ने भी हमें इसके बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन भी दी कि आप अगर यहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, रेंट पे लेना चाह रहे हैं और सेल्स के लिए क्या होता है, वो भी सारे मैं चीज़ें आपको ब्रीफ करूँगा और अपार्टमेंट का अंदर से विज़िट कराऊँगा। तो अभी आगे चल रही है। लो जी शफीक, रोटी खुल गई है, शुरू कर दी है जी। तो हाइट स्टार्ट हो चुकी है और ये अच्छी बात यह है कि ये जूसेस इनके अपने हैं, अपना इनका ब्रांड है कमांडर सिटी का। ये इसमें खुल है और यहाँ पर भी हाई टी लगाई गई, ये चाय, ये जूस वगैरह और ये पैटीज वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमें अभी विजिट करवाया जाएगा अपार्टमेंट के अंदर से और हम अभी 3-bed DD 1600 square feet का विजिट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं जी। तो अभी हम 3-bed DD 1600 square feet अपार्टमेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं, अभी आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। एंटर होते ही आपको पाउडर वाशरूम मिलता है, आप यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं, अच्छी स्पेस है और बिल्कुल इसके सामने आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। कितना अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और बिल्कुल सामने आपको ओपन किचन भी
मिलता है, ओपन किचन का व्यू आपको मिलता है, वहाँ से आप खाना बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और खाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कैबिनेट्स बने हुए हैं और पेंटिंग भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम ओपन किचन की तरफ जाते हैं। ये इसका ओपन किचन है, अच्छी स्पेस है, इसकी कैबिनेट अच्छी लगाई गई हैं और यहाँ पर बर्नर और एग्जॉस्ट भी मौजूद है। और ये इसका लाउंज का एरिया है, लाउंज आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, साइज़ बहुत अच्छा है। लाउंज से मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, इसका आप साइज़ देख सकते हैं, ये विंडो आपको रूम के अंदर मिलती है और यहाँ पर आप साइज़ भी देख सकते हैं। और रूम के अंदर ही आपको अटैच वाशरूम मिलता है। और अभी हम इसके स्टोर रूम की तरफ जाएंगे, इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ स्टोर रूम है, यहाँ पर भी सामान रखा गया है, लेकिन ये भी अच्छी खासी यहाँ पर स्पेस है सामान रखने के लिए। अभी हम रूम टू की तरफ जाएंगे, ये इसका रूम टू है और इसका भी आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छा साइज़ है। और यहाँ से आपको विंडो मिलती है जहाँ से पार्क का व्यू भी आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लाउंज के अंदर से टेरेस भी दिया गया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर भी अटैच वाशरूम है, वाशरूम का साइज़ आप देख सकते हैं और इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से की गई है। और अब हम इसके तीसरे बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, ये इसका तीसरा बेडरूम है और इसका भी साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्पेस रूम के अंदर दी गई है। और यहाँ पर भी रूम के अंदर विंडो है और यहाँ से भी आपको खूबसूरत ये पार्क का व्यू मिलता है। और इस रूम के अंदर भी अटैच वाशरूम दिया गया है, ये इसका वाशरूम है, इसकी भी अच्छी स्पेस है और यहाँ पर अंदर ही आपको वार्डरोब्स भी मिलती हैं। तो अभी मैं आपको जो मेन चीज़ है इसकी खूबसूरती वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये लाउंज के अंदर आपको टेरेस का खूबसूरत व्यू मिलता है। आगे जाने से पहले आपको ये दिखाता जाऊँ कितनी अच्छी स्पेस है, दो चेयर्स रखी हुई हैं, सेंटर में टेबल है, यहाँ पर बैठकर आप ये खूबसूरत जो पार्क है इसका व्यू ले सकते हैं। ये रोड गुजर रहा है और सामने लेक है, उसके बाद मस्जिद है, अजान की आवाज़ आपको घर के अंदर मिलती है और सामने लेक है और बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो आप अगर बच्चों को पार्क में भेजना चाह रहे हैं, वैसे तो बहुत अच्छी और गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी का वैसे भी कोई मसला नहीं, अदरवाइज़ अगर फिर भी आप बच्चों का कोई ख्याल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैठें, बच्चों को आप पार्क के अंदर भेजें और आप बच्चों को देख भी रहे होते हैं और बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये था 3 बेड अपार्टमेंट का तो टूर, तो अभी आगे चलते हैं जी। तो इससे पहले मैंने आपको 3 बेड DD 1600 स्क्वायर फीट एक रेजिडेंस का अपार्टमेंट विजिट करवाया, आपको बिल्डर किस तरह की फिनिशिंग देता है वो अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हम 3 बेड DD के अंदर एंटर हो रहे हैं, ये इसके एंटर होते ही पोर्टर वाशरूम है, इसका आप साइज़ देख सकते हैं और फिनिशिंग देख सकते हैं, ये आपको एक अच्छी क्वालिटी में फिनिशिंग मिलती है। और इसके बिल्कुल सामने आपको ड्राइंग रूम मिलता है, उस अपार्टमेंट के अंदर इसको दीवार को हटाकर इसको कंबाइन किया गया था किचन को, लेकिन बिल्डर आपको इस तरह की फिनिशिंग देता है। तो ये इसका ड्राइंग रूम का एरिया, यहाँ पर आप सीलिंग और फिनिशिंग देख सकते हैं। इसके बाद ये इसका लाउंज का एरिया, अच्छी स्पेस है यहाँ पर, अगर डेप्थ में जाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा, एक अच्छा आपको यहाँ पर लाउंज मिलता है। और ये ओपन किचन है, यहाँ पर भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है। और यहाँ पर भी रास्ता दिया गया है और यहाँ पर छोटा सा वॉशिंग एरिया भी बनाया गया है। और यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, सिंक बहुत प्यारी फिनिशिंग में दिया गया है। अभी हम इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर एंटर हो रहे हैं, इसका फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ पर इसका साइज़ आप देख सकते हैं, अच्छे साइज़ में आपको रूम मिलता है। और ऊपर अगर आप देखें तो रूफ़ लाइट्स के साथ वाइट फिनिशिंग में आपको सीलिंग मिलती है। इस रूम के अंदर अटैच वाशरूम आपको मिलता है, वाशरूम का साइज़ आप ये भी देख सकते हैं, अच्छा साइज़ है। और सैनिटरी का सामान भी आपको इसी तरह लगा हुआ मिलेगा। रूम के अंदर आपको ये एक विंडो मिलती है जिससे बाहर का व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं, और कबर्ड्स भी आपको रूम के अंदर मिलती हैं। तो अभी हम इसके सेकंड बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले, ये इसका स्टोर रूम है, पहले जो दिखाया उसमें इतना अंदाज़ा नहीं था हो रहा इसकी साइज़ का, तो यहाँ पर इसका साइज़ देख सकते हैं, स्टोर रूम का अच्छा और मुनासिब साइज़ है। तो अभी हम सेकंड बेडरूम के अंदर जा रहे हैं, ये इसका सेकंड बेडरूम है और
इसका भी आप साइज देख सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम से इसका निस्तन साइज बढ़ा दिया गया है और ऊपर उसी तरह रूफ लाइट के साथ वाइट फिनिशिंग में सीलिंग दी गई है। आपको यहाँ पर विंडो भी मिलती है ताकि बाहर का व्यू आप इंजॉय कर सकें। और यहाँ पर आपको अटैच वाशरूम मिलता है, इसका अटैच वाशरूम है। यहाँ पर फिनिशिंग देख सकते हैं, सेंट्री का सामान देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। और कबर्ड्स भी आपको वाशरूम के अंदर मिलती हैं, तो इससे आप वाशरूम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर भी वाशरूम के अंदर भी सीलिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, यहाँ पर भी आपको सीलिंग मिलती है। अभी हम इसके थर्ड बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, ये इसका थर्ड बेडरूम है और इसका भी बहुत अच्छा साइज़ है, मुनासिब साइज़ है। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो उसी तरह रूफ लाइट के साथ वाइट फिनिशिंग दी गई है और यहाँ पर भी आपको विंडो मिलती है और इसके साथ भी आपको वाशरूम मिलता है। तीनों बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम है। और इसका भी अगर साइज़ देखें तो इसका भी अच्छा और मुनासिब साइज़ है। सीलिंग उसी तरह आपको यहाँ पर भी मिलती है, कपड़े वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलती हैं और सेंट्री का भी सामान उसी तरह बहुत अच्छा लगाया गया है। और दोबारा यहाँ लाउंज की तरफ आ गए तो यहाँ लाउंज के अंदर भी वाइट फिनिशिंग में रूफ लाइट के साथ लाइटिंग मिलती है। अभी आपको मैं इसका टेरेस दिखाता हूँ, ये इसका टेरेस का एरिया। यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं, एक अच्छी स्पेस टेरेस के अंदर आपको मिलती है। यहाँ पर 5 से 6 चेयर्स आराम से यहाँ पर आ सकती हैं और उसके साथ आपको ये ग्रीनरी और बाहर का व्यू भी मिलता है। तो ये बिल्डर फिनिशिंग है, इस तरह का आपको अपार्टमेंट फिनिशिंग में मिलेगा, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं। जी तो हम कमांडर इंक्लेव के अंदर ही मौजूद हैं और मेरे साथ जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं, तो ये भी रेजिडेंस हैं कमांडर इंक्लेव के। तो इनसे पूछते हैं कि ये कराची किस जगह से यहाँ पर मूव हुए और इस कमांडर इंक्लेव की इन्वायरमेंट को या इसकी रेजिडेंस को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं या नहीं, तो कैसे हैं सर आप पहले तो ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कराची सिटी से कहाँ से आप यहाँ पर मूव हुए हैं, कब हुए हैं? एक्चुअली एक साल पहले, ये 6 साल पहले मैंने बुक करवाया था। अच्छा, 6 साल। मेरी फैमिली ने यहाँ विजिट किया तो जगह पसंद आई, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आबोहवा यहाँ बेहतर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ रहते हुए नोट किया कि यहाँ टेम्परेचर का भी फर्क है, इनफैक्ट। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल खुली फिजा है यहाँ, शहर के अंदर है बिल्कुल, ये शहर के अंदर है, शहर से बाहर नहीं है, ठीक है, शहर के अंदर है और खुली फिजा। ये एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है जो आपको दस्तयाब हो जाए शहर के अंदर रहते हुए। अच्छा, तो उस सिलसिले में हम खुश नसीब तसव्वुर करते हैं अपने आप को। मेरी फैमिली ने विजिट किया है यहाँ पर 6 साल पहले तकरीबन। 6 साल पहले आपने यहाँ पर बुक करवाया था, विजिट कब आपने, शिफ्ट कब से? 1 साल पहले यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए। अच्छा, तो ये मुकम्मल होकर के हैंड ओवर हो गया, ये सी ब्लॉक में मेरी रिहाइश है। अच्छा, ये 7 एकड़ पर बड़ा खूबसूरत सा पार्क है जैसा आपने देखा, और बिलखसूस ये अब रहमत बरसने के बाद आप देखें चेहरे भी खिले खिले हैं, रंग भी खिले खिले हैं, और जो ज़िंदगी के जो खूबसूरत रंग हैं वो अपने असल रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पार्क में भी, और खुदा खलके खुदा के अंदर भी हमें नज़र आ रही हैं वो चीज़ें। और जो यहाँ के जो रिहायशी हैं, ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि जो लोकेलिटी है यहाँ की वो बहुत ही एक यूँ कहना चाहिए कि बड़ी रेस्पेक्टेड और डिसिप्लिनड लोकेलिटी है, नेबरहुड है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग हैं ज्यादातर वो फोर्सेस से रिटायर्ड हैं। अच्छा, तो जी हाँ, तो जो लोग आप जो भी सिक्योरिटी से हैं? जी बिल्कुल, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। अच्छा, और मैं अभी सर्विंग हूँ। तो आपने और भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया है या आगे और भी काफ़ी, गुलमोहर है, 7 वंडर सिटी है, या हाईवे के ऊपर इतनी ज़्यादा सोसाइटी हैं, आपने कमांडर इंक्लेव का ही इंतखाब क्यों किया? वो मैंने इसलिए कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है डिस्टेंस, देखिए वो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि तो शहर के अंदर ही है, शहर से बाहर नहीं है। बाकी जो सोसाइटीज़ हैं वो शहर से बाहर हैं और डिस्टेंस बड़ा मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि देखें जो फ्यूल कंजप्शन है उसको भी सामने नज़र रखना होता, रखना होता है सामने आपको, और जो वक्त है वो उसको भी, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत बड़ा शहर है कराची, जाहिर है एक मसरूफ लाइफ है। तो ये मैं पहले नीपा पे मेरा घर था, अपार्टमेंट था मेरा, वहाँ से एयरपोर्ट अगर किसी को लेने के लिए मैं जाता था तो मुझे आधा घंटा लगता था, अगर नॉर्मल ट्रैफिक हो, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ किसी को लेने के लिए तो 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाता हूँ, बिल्कुल इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस है, खुला रोड है, और टोटल 13 किलोमीटर है यहाँ से, तो 13 किलोमीटर एयरपोर्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने कितने का अपार्टमेंट लिया था यहाँ पर, कितने में बुक करवाया था?
और आज क्या रेट है उस अपार्टमेंट का? मेरा ख्याल है ये मुझे 38 में बुक करवाया था मैंने। 3 बेड डीडी है आपके पास? 2 बेड है। 2 बेड डीडी है, 2 बेड ड्राइंग रूम है, 2 बेड ड्राइंग रूम। अच्छा, 2 बेड ड्राइंग रूम है जी। हाँ, ये है 1000 स्क्वायर फीट। अच्छा, अभी कितना रेट है इसका? अभी इस वक्त 90 लाख है। 90 लाख है, मतलब अच्छा खासा इंक्रीज भी आया और डबल से ज्यादा हो गया है। हाँ, बिल्कुल। अभी देखें, यहाँ सिर्फ 35 फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं। अच्छा, अभी काफी जो है वो खाली है और उसमें बन भी रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लोग आ रहे हैं तेजी से, बहुत तेजी से आ रहे हैं। जिस तरह आपने पहले बुकिंग करवाई और इतना सस्ता अपार्टमेंट पाया, और इस तरह अगर 2-3 साल बाद कोई शिफ्ट होगा तो उसको भी इतने में अपार्टमेंट, जो आज रेट है, इतने में अपार्टमेंट कभी भी मिलने वाला नहीं, सूरत में नहीं मिलेगा। जाहिर है, क्योंकि देखें वो डॉलर रेट भी ऊपर जा रहा है, महंगाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी की कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसी तरीके से आप देखें, अगर आप साल भर बाद की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ 20-25% इंक्रीज हो जाएंगी कीमतें। ठीक है, तो आप जो हमारे व्यूज देखने वाले हैं उनको क्या रिकमेंड करते हैं ये, और वो किस तरह यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, जो वो एक हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बड़ी कॉमन सी हदीस है जो हर बार हम सुनते हैं, और उसके बे इंतहा फ़वाद भी हैं। यकीनन कुरान सुन्नत पर अगर हम चलते हैं और बात करते हैं दीन की, तो जो मोमिन भाई जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद करता है। बहुत अच्छी बात। तो बात यह है कि मैंने तो ये लिया, मेरी फैमिली ने आकर घर, ये जगह देखी, घर देखा, फिर यहाँ शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद जो माहौल देखा है और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, लिविंग एनवायरनमेंट है, एक बड़ी फ्रेंडली और रेस्पेक्टेड डिसिप्लिन नेबरहुड है, फिर उसके साथ ये बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बहुत अच्छा सिस्टम है, और हर लिहाज से मुझे अच्छा लगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रहना एक बड़ी सआदत की बात है, और बहुत बहुत अच्छा फैसला मेरी फैमिली ने किया था। आज मुझे महसूस होती है ये बात, तो दिल खुश होता है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब जी। तो आपने रेजिडेंस की बात सुनी, मैंने काफ़ी 2-3 रेजिडेंट से बात की, तमाम यहाँ पर रहने वाले सेटिस्फाई हैं अपने डिसीजन से, अपनी लाइफ को एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पर अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं, तो उसी तरह जिस तरह आपको बताया कि जस्ट आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए 40 मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने रिमेनिंग अमाउंट करनी है, तो ये ऑप्शन आपको कराची सिटी में कहीं भी नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी गेटेड कम्युनिटी और इतनी अच्छी सोसाइटी के अंदर। तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर विज़िट करें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसका विज़िट भी करवाएंगे। अगर आप बुकिंग के लिए आएंगे तो हम आपको बुकिंग भी यहाँ पर मुनासिब रेट के अंदर करवा के देंगे। तो यहाँ पर वीडियो का अहतमाम करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।